कांग्रेस के लिए एक बार फिर से मुश्किल खड़ी हो गई है। अभिनेत्री और सांसद हेमा मालिनी को लेकर की गई अभद्र टिप्पणी पर हरियाणा महिला आयोग ने सख्त रुख दिखाया है। हरियाणा महिला आयोग ने रणदीप सिंह सुरजेवाला को नोटिस भेज दिया है। रणदीप सिंह सुरजेवाला को 9 अप्रैल को कहा गया है आयोग के सामने पेश होने के लिए। आपको बता दें कि सुरजेवाला हरियाणा के कैथल में पंडूरी विधानसभा में चुनावी कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने सांसद और मथुरा से उम्मीदवार हेमा मालिनी को अभद्र टिप्पणी की। मानदानी भरी ने बढ़ाओ क्यों इनका और अपन ने ऐसा कर दिया जब इनकी किसी ने माननी नहीं फिर इनको वो ये मान ली धर्मेंद्र हो फिर सोच रहे गुप्ता जी काम कर रहे हाँ नहीं सही है कोई शाहरुख खान आता हो कोई और आलिया भट्ट आती हो सोच लेते तो दावा यह है कि सुरजेवाला का बयान अभी का नहीं है, लेकिन ये सवाल फिर से वही है कि बयान अभी का है या पुराना है, इस बात का मुद्दा ही नहीं है। महिलाओं के प्रति इस तरीके से कोई इतना असंवेदनशील कैसे हो सकता है? महिलाओं का अपमान करके ही अपनी सियासत क्यों साधनी पड़ती है नेताओं को? रणदीप सुरजेवाला के बयान का बीजेपी ने किया है कड़ा विरोध। जो भी टिप्पणी किया उसको उनको करने दीजिए, अभी आई डोंट बॉदर अबाउट दैट। मैं मेरा काम करती रही हूँ आज तक। हाँ। मैं किसी का बॉदर नहीं करती हूँ। हाँ। और जो अच्छा काम मैं कर रही हूँ तो सब जनता मेरे साथ है। क्यों का काम है कहना? विपक्ष का काम अच्छा थोड़ी बोलेंगे मेरे लिए। हाँ। खराबी बोलना उनका काम है। दैट दे आर डूइंग देयर ड्यूटी, आई एम डूइंग माई ड्यूटी। आई एम वेरी एब्सोल्युटली क्लीन एंड नीट। तो मैं हमारे मथुरा के लिए मैं काम कर रही हूँ। मुझे आई डोंट केयर फॉर एनीबडी व्हाट दे टॉक अबाउट इट। इफ दे आर टॉकिंग एनीथिंग बैड वो हमारे पार्टी वाले देख लेंगे। जिन्होंने अपनी कला और अपनी प्रतिभा के माध्यम से भारत की परंपरा को, भारत की संस्कृति को, भारत के सिने जगत को, भारत की परंपरागत परंपरा संस्कृति की कला को वैश्विक मंच पर स्थापित करने में अपना पूरा जीवन लगा दिया हो, और यह भी अगर कांग्रेसियों को बुरा लगता है तब तो उनको भगवान भी अब बचा पाएगा कि नहीं बचा पाएगा ये मुझे स्वयं उनके संदेह होता है। भारत की राजनीति में कांग्रेस पार्टी के द्वारा महिलाओं के प्रति अवमानना की एक नई निम्नता है, जिसमें विषय सिर्फ रणदीप सुरजेवाला जी का नहीं है, यह विषय कांग्रेस पार्टी की एक व्यवस्थित और कुत्सित मानसिकता का है। महिलाओं के प्रति एक व्यवस्थित और कुत्सित मानसिकता का है। कांग्रेस की सोच है महिलाओं के प्रति। राहुल गांधी जी ने शक्ति से लड़ने की बात कही, यानी कि महिलाओं के खिलाफ, और ऐसी बात कह दी कि नाचने वाली महिलाओं का बार बार अपमान करना ये कांग्रेस की आदत बन गई है। उन्होंने पहले नारी शक्ति बंधन बिल पास करवाया, ना महिलाओं को रिजर्वेशन कांग्रेस ने दी। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने महिलाओं को रिजर्वेशन दिया और सम्मान दिया है। देखिए सुरजेवाला जी का हेमा मालिनी के बारे में बयान कोई नई बात नहीं है। ये कांग्रेस का दृष्टिकोण है महिलाओं के प्रति, परंतु पहले इनकी सोच तो सुधारनी पड़ेगी। इसके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। कैसे 33% महिलाएं फील्ड में आएंगी? कैसे वो घरों से बाहर निकलेंगी अगर इस जैसे भेड़िए इस तरह की बातें करते हैं? तो आपको बता दें कि मथुरा से 2 बार सांसद रह चुकी हैं हेमा मालिनी। आज ही नामांकन दाखिल उन्होंने किया है। मथुरा वो सीट है जहां से 1991 से अब तक हुए 8 चुनावों में बीजेपी 6 बार जीत चुकी है। तीसरी बार हेमा मालिनी अपनी जीत की गारंटी दे ही रही हैं, लेकिन क्या ये इतना आसान होगा, ये इतना सरल होगा? 2 बार मथुरा से जीत दर्ज करने के बाद फिर से प्रत्याशी बनी है हेमा मालिनी जी। आज उन्होंने अपना नामांकन भी दाखिल किया। बातचीत करने के लिए वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, हाउ आर यू फीलिंग? कैसा आप महसूस कर रहे हैं? तीसरी बार आप फिर से मैदान में हैं, कितनी बड़ी जीत जो है आपको लगता है कि हासिल होगी इस बार? जीत होगी, बहुत जरूरी है, क्योंकि मुझे यहाँ पे रहना है। आई हैव टू डू माई वर्क, तो इसलिए मेरे लिए जीतना भी जरूरी है, और बड़े मार्जिन से जीतना इज अप टू माय कार्यकर्ता हाउ दे आर गोइंग टू मेक इट। क्या क्या मुद्दे मैम आपको लगता है, जो क्या क्या इश्यूज हैं जो आपको लगता है मथुरा के अब तक पूरे नहीं हुए, उनको आगे लेके जाना है? सी, फर्स्ट 5 इयर्स आई वाज नॉट नोइंग कि क्या है, क्या इधर क्या सांसद बन के करना क्या होता है। सब लोग पेपर लेकर आते थे, यहाँ रोड बना दो, कड़िंजा बना दो, नाला बना दो, लाइट लगाओ, पानी चाहिए। दिस आई थॉट दैट इज द जॉब ऑफ सांसद, तो वो तो किया हमने। देन स्लोली स्लोली आई अंडरस्टूड कि यहाँ पे इतना डेवलपमेंट हो सकता है बाकी शहरों की तरह, यहाँ पे क्यों नहीं है।
तो नेशनल हाईवे के साथ मिलकर काफी हाईवेज में सब करवाया हमने। योगी जी की रैली में एक बड़ा नारा सुना कि अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, तो मथुरा कब पूरा होगा जो सपना लोगों का है? अभी ये सब कुछ किया है सेकंड टर्म में, नाउ द थर्ड टर्म इज नाउ मेनी पीपल कम एंड टोल्ड मी दैट ब्रज तीर्थ 84 कोस परिक्रमा में बहुत प्रॉब्लम्स है, तो वो सब मैं करना शुरू किया, विच इज ए वेरी ह्यूज प्रोजेक्ट ऑफ 11 क्रोर्स और समथिंग, इन विच पूरा रोड लाइंस का भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर भी यहाँ पे ठीक हो जाएगा मथुरा का, जब बहुत ट्रैफिक जैम होता है ऑल दैट थिंग। मैम आज आपने नामांकन दाखिल किया लेकिन आपके खिलाफ विपक्ष को कोई प्रत्याशी ही नहीं मिल रहा, ऐसा क्यों, आपको क्यों लगता है कि कोई प्रत्याशी यहाँ पर आ नहीं पा रहा है, क्या ऐसा लगता है, क्या कारण है? आई थिंक इट इज बिकॉज ऑफ द वर्क व्हाट आई हैव डन विद द हेल्प ऑफ अवर गवर्नमेंट एंड ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ ऑल माई कोलीग्स हियर, जिनके साथ मिलकर जो विकास मैंने जो किया है ऐसा उन लोगों ने कभी किया नहीं, बैड शेप नोबडी बॉदर वहाँ पे उनका जन्म स्थल है उसको अच्छा किया है हमने, आज सो मेनी पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन पोइट्री एंड ऑल दे गो एंड लिसन एंड देन दे सिंग हिज सॉन्ग्स, सब करते हैं, और वहाँ पे थिएटर इन द सेंस ओपन एयर थिएटर बनाया जहाँ पे परफॉर्मेंस कर सकते हैं सब आर्टिस्ट, बिकॉज आई एम एन आर्टिस्ट सो आई एम वेरी इंटरेस्ट कीन ऑन हैविंग लॉट ऑफ थिएटर्स एंड ऑल दैट यू नो, सो दिस द कला जो है जिसे हम सिर्फ डेवलपमेंट ये रोड बनाएंगे फ्लाईओवर बनाएंगे इससे नहीं, यहाँ का ब्रज का जो कला है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसको उभर कर लेकर आना है तो हमें कला जोड़ना चाहिए, तो लोगों को काफी थिएटर्स 2-3 बनाए हैं मथुरा में एक वृंदावन में एंड देन जगह जगह पर रस खान वॉज ए ग्रेट पोएट, ही वॉज ए मुस्लिम पोएट एंड ही रोट सच ब्यूटिफुल पोएट्रीज ऑन लॉर्ड कृष्णा, उनके बारे में उनका एक जगह बनाया है, इट इज वेरी ब्यूटीफुल, ऑल शुड गो एंड सी ऑल दोस प्लेस। मथुरा के विकास की बात कर रहे हैं, अच्छा आज हमने योगी जी की रैली में एक बड़ा नारा सुना कि अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, तो मथुरा कब पूरा होगा जो सपना लोगों का है? अभी ये सब कुछ किया है सेकंड टर्म में, नाउ द थर्ड टर्म इज नाउ मेनी पीपल कम एंड टोल्ड मी दैट ब्रज तीर्थ 84 कोस परिक्रमा में बहुत प्रॉब्लम्स है, तो वो सब मैं करना शुरू किया, विच इज ए वेरी ह्यूज प्रोजेक्ट ऑफ 11 क्रोर्स और समथिंग, इन विच पूरा रोड लाइंस का भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर भी यहाँ पे ठीक हो जाएगा मथुरा का, जब बहुत ट्रैफिक जैम होता है ऑल दैट थिंग। मैम आज आपने नामांकन दाखिल किया लेकिन आपके खिलाफ विपक्ष को कोई प्रत्याशी ही नहीं मिल रहा, ऐसा क्यों, आपको क्यों लगता है कि कोई प्रत्याशी यहाँ पर आ नहीं पा रहा है, क्या ऐसा लगता है, क्या कारण है? आई थिंक इट इज बिकॉज ऑफ द वर्क व्हाट आई हैव डन विद द हेल्प ऑफ अवर गवर्नमेंट एंड ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ ऑल माई कोलीग्स हियर, जिनके साथ मिलकर जो विकास मैंने जो किया है ऐसा उन लोगों ने कभी किया नहीं, तो वो किस मुंह से आके बात करेंगे या कहेंगे कि हम ये कर सकते हैं, ऐसे बोलने के लिए भी कोई है ही नहीं ना, दैट इज द प्रॉब्लम विद द विपक्ष, विपक्ष को दे शुड स्टैंड इन फ्रंट ऑफ यू अगेंस्ट यू प्रूव दैट यू आर बेटर देन मी। बट एक सवाल जो बहुत महत्वपूर्ण है मैम, आप कांग्रेस पार्टी बात करती नारी शक्ति की, प्रियंका गांधी ने नारा भी दिया कि लड़की हूं लड़ सकती हूं, लेकिन ये चीज कांग्रेस पार्टी में होती हुई नजर नहीं आ रही, कांग्रेस के नेता जो है वो महिलाओं के खिलाफ कई टिप्पणियां करते हैं, कंगना रनौत को आपने देखा कैसे उनके खिलाफ जो बयानबाजी की, फिर आपके खिलाफ आपको लेकर आज एक बड़ा बयान दिया गया कांग्रेस के नेता के द्वारा, इन सब चीजों को आप किस तरह से देखते हैं? अभी इन सबका आई थिंक योगी जी ने जवाब दे दिया, आई थिंक ही हैज गिवन ए गुड आंसर, सो दैट इज इनफ, पर्सनली आपको क्या लगता है डील विद ऑल दिस, सो आई थिंक आई एम मच Above all this thing, I don't want to get into this. जो नारी शक्ति की बात करते हैं वो इस नारी शक्ति के बारे में they have to learn from our मोदी जी ना, मोदी जी कितना मान सम्मान देते हैं, उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एक महिला को बनाया जो आदिवासी के बिलोंग करती है, सो दैट इज अ बिग सम्मान, who else will do such things? So people should understand. कांग्रेस की फ्रस्ट्रेशन आपको लगता है? नेचुरली इट इज देयर फ्रस्ट्रेशन विच दे आर शोइंग बाय टॉकिंग लाइक दिस, सब ठीक हो जाएंगे बेचारे। थैंक यू फॉर स्पीकिंग टू अस। तो हेमा मालिनी जो मथुरा से तीसरी बार बीजेपी की प्रत्याशी हैं, वो ये कह रही हैं कि कांग्रेस पार्टी का ये फ्रस्ट्रेशन है और उनको वो सीख लेनी चाहिए जो प्रधानमंत्री करते हैं, जो हमेशा नारी शक्ति की बात करते हैं। कैमरामैन जगन्नाथ कर्मा, पीयूष मिश्रा, मथुरा, उत्तर प्रदेश, आज तक।
क्या क्या मुद्दे हैं, किस किस तरह की परेशानियां हैं, इसका तो जिक्र किया ही गया। साथ ही साथ यहां पर हेमा मालिनी की तरफ से बताया गया, क्योंकि विपक्ष में अभी कैंडिडेट न खड़ा करने के पीछे, हालांकि कांग्रेस की तरफ से वहां साफ कर दिया गया है कि कौन उनकी तरफ से लड़ेगा, लेकिन बावजूद इसके कहा जा रहा है कि क्योंकि वहां पर विपक्ष ने न तो जनता के मुद्दे उठाए हैं, न जनता के बीच वो पहुंचे हैं, तो जनता की जो जनता का जो साथ है वो हेमा मालिनी के साथ है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि बहुत सारे काम उनको करने हैं। रणदीप सुरजेवाला ने जिस तरह का बयान दिया उस पर जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो कुछ भी उस पर जवाब नहीं देना चाहती, क्योंकि वो अपना काम करना चाहती हैं। विपक्ष का काम है इस तरीके से सवाल उठाना या फिर बार बार कटाक्ष करना तमाम मंत्रियों पर, सरकार पर, उनके सांसदों पर, तो विपक्ष अपना काम कर रहा है, मैं अपना काम कर रही हूं। तीसरी बार कहा लगातार यही जा रहा है कि इतना आसान हेमा मालिनी के लिए इस बार नहीं होने वाला है, लेकिन फिर भी नरेंद्र मोदी के नाम पर हेमा मालिनी यहां से जीत दर्ज कर सकती हैं। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। कांग्रेस के लिए एक बार फिर से मुश्किल खड़ी हो गई है। अभिनेत्री और सांसद हेमा मालिनी को लेकर की गई अभद्र टिप्पणी पर हरियाणा महिला आयोग ने सख्त रुख दिखाया है। हरियाणा महिला आयोग ने रणदीप सिंह सुरजेवाला को नोटिस भेज दिया है। रणदीप सिंह सुरजेवाला को 9 अप्रैल को कहा गया है आयोग के सामने पेश होने के लिए। आपको बता दें कि सुरजेवाला हरियाणा के कैथल में पंडूरी विधानसभा में चुनावी कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने सांसद और मथुरा से उम्मीदवार हेमा मालिनी को अभद्र टिप्पणी की। मानदानी फिर इन्हें बढ़ाओ क्यों, इनका और अपने ऐसा कर दिया जब इनकी किसी ने माननी नहीं, फिर इनको कोई मान ली धर्मिंदर हो, फिर सोच रहे गुप्ता जी काम कर रहे। हाँ नहीं सही है, कोई शाहरुख खान आता हो, कोई और आलिया भट्ट आती हो, सोच लेते। तो दावा यह है कि सुरजेवाला का बयान अभी का नहीं है, लेकिन यह सवाल फिर से वही है कि बयान अभी का है या पुराना है, इस बात का मुद्दा ही नहीं है। महिलाओं के प्रति इस तरीके से कोई इतना असंवेदनशील कैसे हो सकता है? महिलाओं का अपमान करके ही अपनी सियासत क्यों साधनी पड़ती है नेताओं को? रणदीप सुरजेवाला के बयान का बीजेपी ने किया है कड़ा विरोध। जो भी टिप्पणी किया उसको उनको करने दीजिए, अभी आई डोंट बॉदर अबाउट दैट। मैं मेरा काम करती रही हूँ आज तक, मैं किसी का बॉदर नहीं करती हूँ। और जो अच्छा काम मैं कर रही हूँ तो सब जनता मेरे साथ है, क्योंकि काम है कहना। विपक्ष का काम अच्छा थोड़ी बोलेंगे, मेरे लिए खराबी बोलना उनका काम है। दैट दे आर डूइंग देयर ड्यूटी, आई एम डूइंग माई ड्यूटी, आई एम वेरी एब्सोल्युटली क्लीन एंड नीट। तो मैं हमारे मथुरा के लिए मैं काम कर रही हूँ, मुझे आई डोंट केयर फॉर एनीबडी व्हाट दे टॉक अबाउट इट। इफ दे आर टॉकिंग एनीथिंग बैड वो हमारे पार्टी वाले देख लेंगे। जिन्होंने अपनी कला और अपनी प्रतिभा के माध्यम से भारत की परंपरा को, भारत की संस्कृति को, भारत के सिने जगत को, भारत की परंपरागत परंपरा संस्कृति की कला को वैश्विक मंच पर स्थापित करने में अपना पूरा जीवन लगा दिया हो, और यह भी अगर कांग्रेसियों को बुरा लगता है तब तो उनको भगवान भी अब बचा पाएगा कि नहीं बचा पाएगा, ये मुझे स्वयं उनके संदेह होता है। भारत की राजनीति में कांग्रेस पार्टी के द्वारा महिलाओं के प्रति अवमानना की एक नई निम्नता है, जिसमें विषय सिर्फ रणदीप सुरजेवाला जी का नहीं है, यह विषय कांग्रेस पार्टी की एक व्यवस्थित और कुत्सित मानसिकता का है। महिलाओं के प्रति एक व्यवस्थित और कुत्सित मानसिकता का है। कांग्रेस की सोच है महिलाओं के प्रति। राहुल गांधी जी ने शक्ति से लड़ने की बात कही, यानी कि महिलाओं के खिलाफ, और ऐसी बात कह दी कि नाचने वाली महिलाओं का बार बार अपमान करना ये कांग्रेस की आदत बन गई है। उन्होंने पहले नारी शक्ति बंधन बिल पास करवाया, ना महिलाओं को रिजर्वेशन कांग्रेस ने दी, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने महिलाओं को रिजर्वेशन दिया और सम्मान दिया है। देखिए सुरजेवाला जी का हेमा मालिनी के बारे में बयान कोई नई बात नहीं है, ये कांग्रेस का दृष्टिकोण है महिलाओं के प्रति। परंतु पहले इनकी सोच तो सुधारनी पड़ेगी, इसके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। कैसे 33% महिलाएं फील्ड में आएंगी, कैसे वो घरों से बाहर निकलेंगी अगर इस जैसे भेड़िए इस तरह की बातें करते हैं। तो आपको बता दें कि मथुरा से 2 बार सांसद रह चुकी हैं हेमा मालिनी, आज ही नामांकन दाखिल उन्होंने किया है। मथुरा वो सीट है जहां से 1991 से अब तक हुए 8 चुनावों में बीजेपी 6 बार जीत चुकी है। तीसरी बार हेमा मालिनी अपनी जीत की गारंटी दे ही रही हैं, लेकिन क्या ये इतना आसान होगा, ये इतना सरल होगा?
दो बार मथुरा से जीत दर्ज करने के बाद फिर से प्रत्याशी बनी है हेमा मालिनी जी। आज उन्होंने अपना नामांकन भी दाखिल किया। बातचीत करने के लिए वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, हाउ आर यू फीलिंग, कैसा आप महसूस कर रहे हैं? तीसरी बार आप फिर से मैदान में हैं, कितनी बड़ी जीत जो है आपको लगता है कि हासिल होगी इस बार? जीत होगी, बोना जरूरी है क्योंकि मुझे यहाँ पे रहना है, आई हैव टू डू माई वर्क, तो इसलिए मेरे लिए जीतना भी जरूरी है और बड़े मार्जिन से जीतना इज अप टू माय कार्यकर्ता हाउ दे आर गोइंग टू मेक इट। क्या क्या मुद्दे मैम आपको लगता है, जो क्या क्या इश्यूज हैं जो आपको लगता है मथुरा के अब तक पूरे नहीं हुए, उनको आगे लेके जाना है? सी, फर्स्ट 5 years आई वॉज नॉट नोइंग कि क्या है क्या, इधर क्या सांसद बन के करना क्या होता है। सब लोग पेपर लेकर आते थे, यहाँ रोड बना दो, कड़िंजा बना दो, नाला बना दो, लाइट लगाओ, पानी चाहिए, दिस आई थॉट दैट इज द जॉब ऑफ सांसद। तो वो तो किया हमने, देन स्लोली स्लोली आई अंडरस्टूड कि यहाँ पे इतना डेवलपमेंट हो सकता है बाकी शहरों की तरह, यहाँ पे क्यों नहीं है। तो नेशनल हाईवे के साथ मिलकर काफी हाईवेज में सब करवाया हमने। योगी जी की रैली में एक बड़ा नारा सुना कि अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, तो मथुरा कब पूरा होगा जो सपना लोगों का है? अभी ये सब कुछ किया है सेकंड टर्म में, नाउ द थर्ड टर्म इज नाउ मेनी पीपल कम एंड टोल्ड मी दैट ब्रज तीर्थ 84 कोस परिक्रमा में बहुत प्रॉब्लम्स है, तो वो सब मैं करना शुरू किया, विच इज ए वेरी ह्यूज प्रोजेक्ट ऑफ 11 crores और समथिंग, इन विच पूरा रोड लाइन्स का भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर भी यहाँ पे ठीक हो जाएगा मथुरा का, जब बहुत ट्रैफिक जैम होता है ऑल दैट थिंग। मैम, आज आपने नामांकन दाखिल किया लेकिन आपके खिलाफ विपक्ष को कोई प्रत्याशी ही नहीं मिल रहा, ऐसा क्यों, आपको क्यों लगता है कि कोई प्रत्याशी यहाँ पर आ नहीं पा रहा है, क्या ऐसा लगता है, क्या कारण है? आई थिंक इट इज बिकॉज ऑफ द वर्क व्हाट आई हैव डन विद द हेल्प ऑफ अवर गवर्नमेंट एंड ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ ऑल माई कोलीग्स हियर, जिनके साथ मिलकर जो विकास मैंने जो किया है ऐसा उन लोगों ने कभी किया नहीं। बैड शेप, नोबडी बॉदर, वहाँ पे उनका जन्म स्थल है उसको अच्छा किया है हमने। आज सो मेनी पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन पोइट्री एंड ऑल दे गो एंड लिसन एंड देन दे सिंग हिज सॉन्ग्स, सब करते हैं। अब वहाँ पे थिएटर इन द सेंस ओपन एयर थिएटर बनाया जहाँ पे परफॉर्मेंस कर सकते हैं सब आर्टिस्ट, बिकॉज आई एम एन आर्टिस्ट सो आई एम वेरी इंटरेस्ट कीन ऑन हैविंग लॉट ऑफ थिएटर्स एंड ऑल दैट, यू नो। सो दिस द कला जो है जिसे हम सिर्फ डेवलपमेंट, ये रोड बनाएंगे, फ्लाईओवर बनाएंगे, इससे नहीं, यहाँ का ब्रज का जो कला है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसको उभर कर लेकर आना है तो हमें कला जोड़ना चाहिए। तो लोगों को काफी थिएटर्स 2-3 बनाए हैं मथुरा में, एक वृंदावन में, एंड देन जगह जगह पर रस खान वॉज ए ग्रेट पोएट, ही वॉज ए मुस्लिम पोएट एंड ही रोट सच ब्यूटिफुल पोएट्रीज ऑन लॉर्ड कृष्णा, उनके बारे में उनका एक जगह बनाया है, इट इज वेरी ब्यूटीफुल, यू ऑल शुड गो एंड सी ऑल दोस प्लेस। मथुरा के विकास की बात कर रहे हैं, अच्छा आज हमने योगी जी की रैली में एक बड़ा नारा सुना कि अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, तो मथुरा कब पूरा होगा जो सपना लोगों का है? अभी ये सब कुछ किया है सेकंड टर्म में, नाउ द थर्ड टर्म इज नाउ मेनी पीपल कम एंड टोल्ड मी दैट ब्रज तीर्थ 84 कोस परिक्रमा में बहुत प्रॉब्लम है, तो वो सब मैं करना शुरू किया, विच इज ए वेरी ह्यूज प्रोजेक्ट ऑफ 11 crores और समथिंग, इन विच पूरा रोड लाइन्स का भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर भी यहाँ पे ठीक हो जाएगा मथुरा का, जब बहुत ट्रैफिक जैम होता है ऑल दैट थिंग। मैम, आज आपने नामांकन दाखिल किया लेकिन आपके खिलाफ विपक्ष को कोई प्रत्याशी ही नहीं मिल रहा, ऐसा क्यों, आपको क्यों लगता है कि कोई प्रत्याशी यहाँ पर आ नहीं पा रहा है, क्या ऐसा लगता है, क्या कारण है? आई थिंक इट इज बिकॉज ऑफ द वर्क व्हाट आई हैव डन विद द हेल्प ऑफ अवर गवर्नमेंट एंड ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ ऑल माई कोलीग्स हियर, जिनके साथ मिलकर जो विकास मैंने जो किया है ऐसा उन लोगों ने कभी किया नहीं, तो वो किस मुंह से आके बात करेंगे या कहेंगे कि हम ये कर सकते हैं, ऐसे बोलने के लिए भी कोई है ही नहीं ना, दैट इज अ प्रॉब्लम विद द विपक्ष। विपक्ष को दे शुड स्टैंड इन फ्रंट ऑफ यू अगेंस्ट यू, प्रूव दैट यू आर बेटर देन मी। बट एक सवाल जो बहुत महत्वपूर्ण है मैम, कांग्रेस पार्टी बात करती नारी शक्ति की, प्रियंका गांधी ने नारा भी दिया कि लड़की हूं लड़ सकती हूं, लेकिन ये चीज कांग्रेस पार्टी में होती हुई नजर नहीं आ रही। कांग्रेस के नेता जो है वो महिलाओं के खिलाफ कई टिप्पणियां करते हैं, कंगना रनौत को आपने देखा कैसे उनके खिलाफ जो बयानबाजी की, फिर आपके खिलाफ आपको लेकर आज एक बड़ा बयान दिया गया कांग्रेस के नेता के द्वारा, इन सब चीजों को आप किस तरह से देखते हैं? अब इन सबका आई थिंक योगी जी ने जवाब दे दिया, आई थिंक ही हैज गिवन ए गुड आंसर, सो दैट इज इनफ।
पर्सनली आपको कैसा लगता है? I don't want to deal with all this. So I think I'm much above all this thing. I don't want to get into this. जो नारी शक्ति की बात करते हैं वो इस तरह नारी शक्ति के बारे में दे हैव टू लर्न फ्रॉम आवर मोदी जी ना. मोदी जी कितना मान सम्मान देते हैं. उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एक महिला को बनाया जो आदिवासी के बिलोंग करती है. सो दैट इज अ बिग सम्मान ही हैज गिवन. हु एल्स विल डू सच थिंग्स? सो पीपल वन शुड अंडरस्टैंड. कांग्रेस की फ्रस्ट्रेशन आपको लगता है? नेचुरली इट इज देयर फ्रस्ट्रेशन विच दे आर शोइंग बाय टॉकिंग लाइक दिस. सब ठीक हो जाएंगे बेचारे. थैंक यू फॉर स्पीकिंग टू अस. तो हेमा मालिनी जो मथुरा से तीसरी बार बीजेपी की प्रत्याशी हैं, वो ये कह रही हैं कि कांग्रेस पार्टी का ये फ्रस्ट्रेशन है और उनको वो सीख लेनी चाहिए जो प्रधानमंत्री करते हैं, जो हमेशा नारी शक्ति की बात करते हैं. कैमरामैन जगन्नाथ का, मैं पीयूष मिश्रा, मथुरा, उत्तर प्रदेश, आज तक. क्या क्या मुद्दे हैं, किस किस तरह की परेशानियां हैं, इसका तो जिक्र किया ही गया. साथ ही साथ यहां पर हेमा मालिनी की तरफ से बताया गया, क्योंकि विपक्ष में अभी कैंडिडेट न खड़ा करने के बीच, हालांकि कांग्रेस की तरफ से वहां साफ कर दिया गया है कि कौन उनकी तरफ से लड़ेगा, लेकिन बावजूद इसके कहा जा रहा है कि क्योंकि वहां पर विपक्ष ने न तो जनता के मुद्दे उठाए हैं, न जनता के बीच वो पहुंचे हैं, तो जनता का जो साथ है वो हेमा मालिनी के साथ है. साथ ही साथ उन्होंने कहा कि बहुत सारे काम उनको करने हैं. रणदीप सुरजेवाला ने जिस तरह का बयान दिया, उस पर जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो कुछ भी उस पर जवाब नहीं देना चाहती हैं, क्योंकि वो अपना काम करना चाहती हैं. विपक्ष का काम है इस तरीके से सवाल उठाना या फिर बार बार कटाक्ष करना तमाम मंत्रियों पर, सरकार पर, उनके सांसदों पर. तो विपक्ष अपना काम कर रहा है, मैं अपना काम कर रही हूं. तीसरी बार कहा लगातार यही जा रहा है कि इतना आसान हेमा मालिनी के लिए इस बार नहीं होने वाला है, लेकिन फिर भी नरेंद्र मोदी के नाम पर हेमा मालिनी यहां से जीत दर्ज कर सकती हैं. इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही. कांग्रेस के लिए एक बार फिर से मुश्किल खड़ी हो गई है. अभिनेत्री और सांसद हेमा मालिनी को लेकर की गई अभद्र टिप्पणी पर हरियाणा महिला आयोग ने सख्त रुख दिखाया है. हरियाणा महिला आयोग ने रणदीप सिंह सुरजेवाला को नोटिस भेज दिया है. रणदीप सिंह सुरजेवाला को 9 अप्रैल को कहा गया है आयोग के सामने पेश होने के लिए. आपको बता दें कि सुरजेवाला हरियाणा के कैथल में पंडूरी विधानसभा में चुनावी कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे. इसी दौरान उन्होंने सांसद और मथुरा से उम्मीदवार हेमा मालिनी को अभद्र टिप्पणी की. मानदानी भरी ने बढ़ाओ क्यों इनका, और आपने ऐसा कर दिया जब इनकी किसी ने मांगनी नहीं, फिर इनको वो ये मान ली धर्मिंदर हो, फिर सोच रहे गुप्ता जी काम कर रहे. हाँ नहीं सही है, कोई शाहरुख खान आता हो, कोई और आलिया भट्ट आती हो, सोच लेते. तो दावा यह है कि सुरजेवाला का बयान अभी का नहीं है, लेकिन ये सवाल फिर से वही है कि बयान अभी का है या पुराना है, इस बात का मुद्दा ही नहीं है. महिलाओं के प्रति इस तरीके से कोई इतना असंवेदनशील कैसे हो सकता है? महिलाओं का अपमान करके ही अपनी सियासत क्यों साधनी पड़ती है नेताओं को? रणदीप सुरजेवाला के बयान का बीजेपी ने किया है कड़ा विरोध. तो जो भी टिप्पणी किया उसको उनको करने दीजिए. अभी आई डोंट बॉदर अबाउट दैट. मैं मेरा काम करती रही हूँ आज तक. हाँ. मैं किसी का बॉदर नहीं करती हूँ. हाँ. और जो अच्छा काम मैं कर रही हूँ तो सब जनता मेरे साथ है. क्यों का काम है कहना? विपक्ष का काम अच्छा थोड़ी बोलेंगे मेरे लिए. हाँ. खराबी बोलना उनका काम है. दैट दे आर डूइंग देयर ड्यूटी, आई एम डूइंग माई ड्यूटी. आई एम वेरी एब्सोल्युटली क्लीन एंड नीट. तो मैं हमारे मथुरा के लिए मैं काम कर रही हूँ. मुझे आई डोंट केयर फॉर एनीबडी व्हाट दे टॉक अबाउट इट. इफ दे आर टॉकिंग एनीथिंग बैड वो हमारे पार्टी वाले देख लेंगे. जिन्होंने अपनी कला और अपनी प्रतिभा के माध्यम से भारत की परंपरा को, भारत की संस्कृति को, भारत के सिने जगत को, भारत की परंपरागत परंपरा संस्कृति की कला को वैश्विक मंच पर स्थापित करने में अपना पूरा जीवन लगा दिया हो. और यह भी अगर कांग्रेसियों को बुरा लगता है तब तो उनको भगवान भी अब बचा पाएगा कि नहीं बचा पाएगा, ये मुझे स्वयं उनके संदेह होता है. भारत की राजनीति में कांग्रेस पार्टी के द्वारा महिलाओं के प्रति अवमानना की एक नई निम्नता है, जिसमें विषय सिर्फ रणदीप सुरजेवाला जी का नहीं है, यह विषय कांग्रेस पार्टी की एक व्यवस्थित और कुत्सित मानसिकता का है. महिलाओं के प्रति एक व्यवस्थित और कुत्सित मानसिकता का है. कांग्रेस की सोच है महिलाओं के प्रति. राहुल गांधी जी ने शक्ति से लड़ने की बात कही, यानी कि महिलाओं के खिलाफ, और ऐसी बात कह दी कि नाचने वाली महिलाओं का बार बार अपमान करना ये कांग्रेस की आदत बन गई है. उन्होंने पहले ना
नारी शक्ति बंधन बिल पास करवाया, ना महिलाओं को रिजर्वेशन कांग्रेस ने दी। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने महिलाओं को रिजर्वेशन दिया और सम्मान दिया। देखिए सुरजेवाला जी का हेमा मालिनी के बारे में बयान कोई नई बात नहीं है, ये कांग्रेस का दृष्टिकोण है महिलाओं के प्रति। परंतु पहले इनकी सोच तो सुधारनी पड़ेगी, इसके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। कैसे 33% महिलाएं फील्ड में आएंगी, कैसे वो घरों से बाहर निकलेंगी अगर इस जैसे भेड़िए इस तरह की बातें करते हैं। तो आपको बता दें कि मथुरा से 2 बार सांसद रह चुकी हैं हेमा मालिनी, आज ही नामांकन दाखिल उन्होंने किया है। मथुरा वो सीट है जहां से 1991 से अब तक हुए 8 चुनावों में बीजेपी 6 बार जीत चुकी है। तीसरी बार हेमा मालिनी अपनी जीत की गारंटी दे ही रही हैं, लेकिन क्या ये इतना आसान होगा, ये इतना सरल होगा? 2 बार मथुरा से जीत दर्ज करने के बाद फिर से प्रत्याशी बनी है हेमा मालिनी जी। आज उन्होंने अपना नामांकन भी दाखिल किया। बातचीत करने के लिए वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, हाउ आर यू फीलिंग, कैसा आप महसूस कर रहे हैं? तीसरी बार आप फिर से मैदान में हैं, कितनी बड़ी जीत जो है आपको लगता है कि हासिल होगी इस बार? जीत होगी बहुत जरूरी है, क्योंकि मुझे यहाँ पे रहना है, आई हैव टू डू माई वर्क, तो इसलिए मेरे लिए जीतना भी जरूरी है और बड़े मार्जिन से जीतना इज अप टू माय कार्यकर्ता हाउ दे आर गोइंग टू मेक इट। क्या क्या मुद्दे मैम आपको लगता है, जो क्या क्या इश्यूज हैं जो आपको लगता है मथुरा के अब तक पूरे नहीं हुए, उनको आगे लेके जाना है? सी फर्स्ट 5 ईयर्स आई वॉज नॉट नोइंग कि क्या है क्या, इधर क्या सांसद बन के करना क्या होता है। सब लोग पेपर लेकर आते थे, यहाँ रोड बना दो, कड़िंजा बना दो, नाला बना दो, लाइट लगाओ, पानी चाहिए, दिस आई थॉट दैट इज द जॉब ऑफ सांसद। तो वो तो किया हमने, देन स्लोली स्लोली आई अंडरस्टूड कि यहाँ पे इतना डेवलपमेंट हो सकता है बाकी शहरों की तरह, यहाँ पे क्यों नहीं है। तो नेशनल हाईवे के साथ मिलकर काफी हाईवेज में सब करवाया हमने। योगी जी की रैली में एक बड़ा नारा सुना कि अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, तो मथुरा कब पूरा होगा जो सपना लोगों का है? अभी ये सब कुछ किया है सेकेंड टर्म में, नाउ द थर्ड टर्म इज नाउ मेनी पीपल कम एंड टोल्ड मी दैट ब्रज तीर्थ 84 कोस परिक्रमा में बहुत प्रॉब्लम्स है, तो वो सब मैं करना शुरू किया, विच इज अ वेरी ह्यूज प्रोजेक्ट ऑफ 11 करोड़ और समथिंग, इन विच पूरा रोड लाइन्स का भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर भी यहाँ पे ठीक हो जाएगा मथुरा का, जो बहुत ट्रैफिक जैम होता है, ऑल दैट थिंग। मैम आज आपने नामांकन दाखिल किया, लेकिन आपके खिलाफ विपक्ष को कोई प्रत्याशी ही नहीं मिल रहा, ऐसा क्यों, आपको क्यों लगता है कि कोई प्रत्याशी यहाँ पर आ नहीं पा रहा है, क्या ऐसा लगता है, क्या कारण है? आई थिंक इट इज बिकॉज ऑफ द वर्क व्हाट आई हैव डन विद द हेल्प ऑफ अवर गवर्नमेंट एंड ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ ऑल माई कोलीग्स हियर, जिनके साथ मिलकर जो विकास मैंने जो किया है ऐसा उन लोगों ने कभी किया नहीं। बैड शेप, नोबडी बॉदर, वहाँ पे उनका जन्म स्थल है उसको अच्छा किया है हमने। आज सो मेनी पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन पोइट्री एंड ऑल दे गो एंड लिसन एंड देन दे सिंग हिज सॉन्ग्स, सब करते हैं। और वहाँ पे थिएटर इन द सेंस ओपन एयर थिएटर बनाया जहाँ पे परफॉर्मेंस कर सकते हैं सब आर्टिस्ट, बिकॉज आई एम एन आर्टिस्ट सो आई एम वेरी इंटरेस्ट कीन ऑन हैविंग लॉट ऑफ थिएटर्स एंड ऑल दैट, यू नो। सो दिस द कला जो है जिसे हम सिर्फ डेवलपमेंट, ये रोड बनाएंगे, फ्लाईओवर बनाएंगे, इससे नहीं, यहाँ का ब्रज का जो कला है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसको उभर कर लेकर आना है तो हमें कला जोड़ना चाहिए। तो लोगों को काफी थिएटर्स 2-3 बनाए हैं मथुरा में, एक वृंदावन में, एंड देन जगह जगह पर रस खान वॉज ए ग्रेट पोएट, ही वॉज ए मुस्लिम पोएट एंड ही रोट सच ब्यूटिफुल पोएट्रीज ऑन लॉर्ड कृष्णा, उनके बारे में उनका एक जगह बनाया है, इट इज वेरी ब्यूटीफुल, ऑल शुड गो एंड सी ऑल दोस प्लेस। मथुरा के विकास की बात कर रहे हैं, अच्छा आज हमने योगी जी की रैली में एक बड़ा नारा सुना कि अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, तो मथुरा कब पूरा होगा जो सपना लोगों का है? अभी ये सब कुछ किया है सेकंड टर्म में, नाउ द थर्ड टर्म इज नाउ मेनी पीपल कम एंड टोल्ड मी दैट ब्रज तीर्थ 84 कोस परिक्रमा में बहुत प्रॉब्लम्स है, तो वो सब मैं करना शुरू किया, विच इज ए वेरी ह्यूज प्रोजेक्ट ऑफ 11 करोड़ और समथिंग, इन विच पूरा रोड लाइन्स का भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर भी यहाँ पे ठीक हो जाएगा मथुरा का, जो बहुत ट्रैफिक जैम होता है, ऑल दैट थिंग। मैम आज आपने नामांकन दाखिल किया, लेकिन आपके खिलाफ विपक्ष को कोई प्रत्याशी ही नहीं मिल रहा, ऐसा क्यों, आपको क्यों लगता है कि कोई प्रत्याशी यहाँ पर आ नहीं पा रहा है, क्या ऐसा लगता है, क्या कारण है?
आई थिंक इट इज बिकॉज ऑफ द वर्क व्हाट आई हैव डन विद द हेल्प ऑफ अवर गवर्नमेंट एंड ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ ऑल माई कोलीग्स हियर, जिनके साथ मिलकर जो विकास मैंने जो किया है ऐसा उन लोगों ने कभी किया नहीं, तो वो किस मुंह से आके बात करेंगे या कहेंगे कि हम ये कर सकते हैं, ऐसे बोलने के लिए भी कोई है ही नहीं ना। दैट इज द प्रॉब्लम विद द विपक्ष। विपक्ष को दे शुड स्टैंड इन फ्रंट ऑफ यू अगेंस्ट यू, प्रूव दैट यू आर बेटर देन मी। बट एक सवाल जो बहुत महत्वपूर्ण है मैम, आप कांग्रेस पार्टी बात करती नारी शक्ति की, प्रियंका गांधी ने नारा भी दिया कि लड़की हूं लड़ सकती हूं, लेकिन ये चीज कांग्रेस पार्टी में होती हुई नजर नहीं आ रही। कांग्रेस के नेता जो है वो महिलाओं के खिलाफ कई टिप्पणियां करते हैं, कंगना रनौत को आपने देखा कैसे उनके खिलाफ जो बयानबाजी की, फिर आपके खिलाफ आपको लेकर आज एक बड़ा बयान दिया गया कांग्रेस के नेता के द्वारा, इन सब चीजों को आप किस तरह से देखते हैं? अब इन सबका आई थिंक योगी जी ने जवाब दे दिया, आई थिंक ही हैज गिवन ए गुड आंसर, सो दैट इज इनफ। पर्सनली आपको क्या लगता है, डील विद ऑल दिस, सो आई थिंक आई एम मच अबव ऑल दिस थिंग, आई डोंट वांट टू गेट इनटू दिस। जो नारी शक्ति की बात करते हैं वो इस नारी शक्ति के बारे में दे हैव टू लर्न फ्रॉम आवर मोदी जी ना। मोदी जी कितना मान सम्मान देते हैं, उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एक महिला को बनाया जो आदिवासी के बिलोंग करती है, सो दैट इज अ बिग सम्मान ही हैज गिवन। हू एल्स विल डू सच थिंग्स, सो पीपल वन शुड अंडरस्टैंड। कांग्रेस की फ्रस्ट्रेशन आपको लगता है? इट इज नेचुरली इट इज देयर फ्रस्ट्रेशन व्हिच दे आर शोइंग बाय टॉकिंग लाइक दिस, एंड सब ठीक हो जाएंगे बेचारे। थैंक यू फॉर स्पीकिंग टू अस। तो हेमा मालिनी जो मथुरा से तीसरी बार बीजेपी की प्रत्याशी हैं, वो ये कह रही हैं कि कांग्रेस पार्टी का ये फ्रस्ट्रेशन है और उनको वो सीख लेनी चाहिए जो प्रधानमंत्री करते हैं, जो हमेशा नारी शक्ति की बात करते हैं। कैमरामैन जगन्नाथ का, मैं पीयूष मिश्रा, मथुरा, उत्तर प्रदेश, आज तक। क्या क्या मुद्दे हैं, किस किस तरह की परेशानियां हैं, इसका तो जिक्र किया ही गया। साथ ही साथ यहां पर हेमा मालिनी की तरफ से बताया गया, क्योंकि विपक्ष में अभी कैंडिडेट न खड़ा करने के बीच, हालांकि कांग्रेस की तरफ से वहां साफ कर दिया गया है कि कौन उनकी तरफ से लड़ेगा, लेकिन बावजूद इसके कहा जा रहा है कि क्योंकि वहां पर विपक्ष ने न तो जनता के मुद्दे उठाए हैं न जनता के बीच वो पहुंचे हैं, तो जनता का जो साथ है वो हेमा मालिनी के साथ है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि बहुत सारे काम उनको करने हैं। रणदीप सुरजेवाला ने जिस तरह का बयान दिया उस पर जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो कुछ भी उस पर जवाब नहीं देना चाहती, क्योंकि वो अपना काम करना चाहती हैं। विपक्ष का काम है इस तरीके से सवाल उठाना या फिर बार बार कटाक्ष करना तमाम मंत्रियों पर, सरकार पर, उनके सांसदों पर, तो विपक्ष अपना काम कर रहा है, मैं अपना काम कर रही हूं। तीसरी बार कहा लगातार यही जा रहा है कि इतना आसान हेमा मालिनी के लिए इस बार नहीं होने वाला है, लेकिन फिर भी नरेंद्र मोदी के नाम पर हेमा मालिनी यहां से जीत दर्ज कर सकती हैं। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। कांग्रेस के लिए एक बार फिर से मुश्किल खड़ी हो गई है। अभिनेत्री और सांसद हेमा मालिनी को लेकर की गई अभद्र टिप्पणी पर हरियाणा महिला आयोग ने सख्त रुख दिखाया है। हरियाणा महिला आयोग ने रणदीप सिंह सुरजेवाला को नोटिस भेज दिया है। रणदीप सिंह सुरजेवाला को 9 अप्रैल को कहा गया है आयोग के सामने पेश होने के लिए। आपको बता दें कि सुरजेवाला हरियाणा के कैथल में पंडूरी विधानसभा में चुनावी कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने सांसद और मथुरा से उम्मीदवार हेमा मालिनी को अभद्र टिप्पणी की। मानदानी भरी ने बढ़ाओ क्यों इनका, और आपने ऐसा कर दिया जब इनकी किसी ने माननी नहीं, फिर इनको कोई मान ली धर्मेंद्र हो, फिर सोच ले गुप्ता जी का। हाँ नहीं सही है, कोई शाहरुख खान आता हो, कोई और आलिया भट्ट आती हो, सोच लेते। तो दावा यह है कि सुरजेवाला का बयान अभी का नहीं है, लेकिन यह सवाल फिर से वही है कि बयान अभी का है या पुराना है, इस बात का मुद्दा ही नहीं है। महिलाओं के प्रति इस तरीके से कोई इतना असंवेदनशील कैसे हो सकता है? महिलाओं का अपमान करके ही अपनी सियासत क्यों साधनी पड़ती है नेताओं को? रणदीप सुरजेवाला के बयान का बीजेपी ने किया है कड़ा विरोध। तो जो भी टिप्पणी किया उसको उनको करने दीजिए, अभी आई डोंट बॉदर अबाउट दैट। मैं मेरा काम करती रही हूँ आज तक, मैं किसी का बॉदर नहीं करती हूँ। और जो अच्छा काम मैं कर रही हूँ तो सब जनता मेरे साथ है, क्योंकि काम है कहना, विपक्ष का काम अच्छा थोड़ी बोलेंगे मेरे लिए, खराबी बोलना उनका काम है। दैट दे आर डूइंग देयर ड्यूटी, आई एम डूइंग माई ड्यूटी, आई एम वेरी एब्सोल्युटली क्लीन एंड नीट। तो मैं हमारे मथुरा के लिए मैं काम कर रही हूँ, मुझे आई डोंट केयर फॉर एनीबडी व्हाट दे टॉक अबाउट इट। इफ दे आर टॉकिंग एनीथिंग बैड वो हमारे पार्टी वाले देख लेंगे। जिन्होंने अपनी कला और अपनी प्रतिभा के माध्यम से भारत की परंपरा को, भारत की संस्कृति को,
भारत के सिने जगत को, भारत की परंपरागत परंपरा संस्कृति की कला को वैश्विक मंच पर स्थापित करने में अपना पूरा जीवन लगा दिया हो, और यह भी अगर कांग्रेसियों को बुरा लगता है तब तो उनको भगवान भी अब बचा पाएगा कि नहीं बचा पाएगा, ये मुझे स्वयं उनके संदेह होता है। भारत की राजनीति में कांग्रेस पार्टी के द्वारा महिलाओं के प्रति अवमानना की एक नई निम्नता है, जिसमें विषय सिर्फ रणदीप सुरजेवाला जी का नहीं है, यह विषय कांग्रेस पार्टी की एक व्यवस्थित और कुत्सित मानसिकता का है, महिलाओं के प्रति एक व्यवस्थित और कुत्सित मानसिकता का है। कांग्रेस की सोच है महिलाओं के प्रति, राहुल गांधी जी ने शक्ति से लड़ने की बात कही, यानी कि महिलाओं के खिलाफ, और ऐसी बात कह दी कि नाचने वाली महिलाओं का बार बार अपमान करना ये कांग्रेस की आदत बन गई है। उन्होंने पहले ना नारी शक्ति बंधन बिल पास करवाया, ना महिलाओं को रिजर्वेशन कांग्रेस ने दी, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने महिलाओं को रिजर्वेशन दी और सम्मान दिया। देखिए सुरजेवाला जी का हेमा मालिनी के बारे में बयान कोई नई बात नहीं है, ये कांग्रेस का दृष्टिकोण है महिलाओं के प्रति, परंतु पहले इनकी सोच तो सुधारनी पड़ेगी, इसके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। कैसे 33% महिलाएं फील्ड में आएंगी, कैसे वो घरों से बाहर निकलेंगी अगर इस जैसे भेड़िए इस तरह की बातें करते हैं। तो आपको बता दें कि मथुरा से दो बार सांसद रह चुकी हैं हेमा मालिनी, आज ही नामांकन दाखिल उन्होंने किया है। मथुरा वो सीट है जहां से 1991 से अब तक हुए 8 चुनावों में बीजेपी 6 बार जीत चुकी है। तीसरी बार हेमा मालिनी अपनी जीत की गारंटी दे ही रही हैं, लेकिन क्या ये इतना आसान होगा, ये इतना सरल होगा? दो बार मथुरा से जीत दर्ज करने के बाद फिर से प्रत्याशी बनी है हेमा मालिनी जी, आज उन्होंने अपना नामांकन भी दाखिल किया। बातचीत करने के लिए वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, हाउ यू फीलिंग, कैसा आप महसूस कर रहे हैं, तीसरी बार आप फिर से मैदान में हैं, कितनी बड़ी जीत जो है आपको लगता है कि हासिल होगी इस बार? जीत होगी बहुत जरूरी है, क्योंकि मुझे यहाँ पे रहना है, आई हैव टू डू माई वर्क, तो इसलिए मेरे लिए जीतना भी जरूरी है, और बड़े मार्जिन से जीतना इज अप टू माय कार्यकर्ता हाउ दे आर गोइंग टू मेक इट। क्या क्या मुद्दे मैम आपको लगता है, जो क्या क्या इश्यूज हैं जो आपको लगता है मथुरा के अब तक पूरे नहीं हुए, उनको आगे लेके जाना है? सी फर्स्ट 5 years आई वॉज नॉट नोइंग कि क्या है क्या, इधर क्या सांसद बन के करना क्या होता है। सब लोग पेपर लेकर आते थे, यहाँ रोड बना दो, कड़िंजा बना दो, नाला बना दो, लाइट लगाओ, पानी चाहिए, दिस आई थॉट दैट इज द जॉब ऑफ सांसद, तो वो तो किया हमने। देन स्लोली स्लोली आई अंडरस्टूड कि यहाँ पे इतना डेवलपमेंट हो सकता है बाकी शहरों की तरह, यहाँ पे क्यों नहीं है। तो नेशनल हाईवे के साथ मिलकर काफी हाईवेज में सब करवाया हमने। योगी जी की रैली में एक बड़ा नारा सुना कि अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, तो मथुरा कब पूरा होगा जो सपना लोगों का है? अभी ये सब कुछ किया है सेकेंड टर्म में, नाउ द थर्ड टर्म इज नाउ मेनी पीपल कम एंड टोल्ड मी दैट ब्रजतीर्थ 84 कोस परिक्रमा में बहुत प्रॉब्लम है, तो वो सब मैं करना शुरू किया, विच इज अ वेरी ह्यूज प्रोजेक्ट ऑफ 11 crores और समथिंग, इन विच पूरा रोड लाइन्स का भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर भी यहाँ पे ठीक हो जाएगा मथुरा का, जब बहुत ट्रैफिक जैम होता है ऑल दैट थिंग। मैम आज आपने नामांकन दाखिल किया, लेकिन आपके खिलाफ विपक्ष को कोई प्रत्याशी ही नहीं मिल रहा, ऐसा क्यों, आपको क्यों लगता है कि कोई प्रत्याशी यहाँ पर आ नहीं पा रहा है, क्या ऐसा लगता है, क्या कारण है? आई थिंक इट इज बिकॉज ऑफ द वर्क व्हाट आई हैव डन विद द हेल्प ऑफ आवर गवर्नमेंट एंड ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ ऑल माय कोलीग्स हियर, जिनके साथ मिलकर जो विकास मैंने जो किया है ऐसा उन लोगों ने कभी किया नहीं। बैड शेप, नोबडी बॉदर्स, वहाँ पे उनका जन्म स्थल है उसको अच्छा किया है हमने। आज सो मेनी पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन पोइट्री एंड ऑल दे गो एंड लिसन एंड देन दे सिंग हिज सॉन्ग्स, सब करते हैं। अब वहाँ पे थिएटर इन द सेंस ओपन एयर थिएटर बनाया जहाँ पे परफॉर्मेंस कर सकते हैं सब आर्टिस्ट, बिकॉज आई एम एन आर्टिस्ट सो आई एम वेरी इंटरेस्ट कीन ऑन हैविंग लॉट ऑफ थिएटर्स एंड ऑल दैट यू नो। सो दिस द कला जो है जिसे हम सिर्फ डेवलपमेंट ये रोड बनाएंगे फ्लाईओवर बनाएंगे इससे नहीं, यहाँ का ब्रज का जो कला है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसको उभर कर लेकर आना है तो हमें कला जोड़ना चाहिए। तो लोगों को काफी थिएटर्स 2-3 बनाए हैं मथुरा में, एक वृंदावन में
एंड देन जगह जगह पर रस्खान वॉज अ ग्रेट पोएट, ही वॉज अ मुस्लिम पोएट एंड ही रोट सच ब्यूटिफुल पोएट्रीज ऑन लॉर्ड कृष्णा, उनके बारे में उनका एक जगह बनाया है, इट इज वेरी ब्यूटिफुल, यू ऑल शुड गो एंड सी ऑल दोस प्लेस। मथुरा के विकास की बात कर रहे हैं, अच्छा आज हमने योगी जी की रैली में एक बड़ा नारा सुना कि अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, तो मथुरा कब पूरा होगा जो सपना लोगों का है? अभी ये सब कुछ किया है सेकंड टर्म में, नाउ द थर्ड टर्म इज नाउ मेनी पीपल कम एंड टोल्ड मी दैट ब्रज तीर्थ 84 कोस परिक्रमा में बहुत प्रॉब्लम्स है, तो वो सब मैं करना शुरू किया, विच इज अ वेरी ह्यूज प्रोजेक्ट ऑफ 11 crores और समथिंग, इन विच पूरा रोड लाइन्स का भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर भी यहाँ पे ठीक हो जाएगा मथुरा का, जो बहुत ट्रैफिक जैम होता है ऑल दैट थिंग। मैम आज आपने नामांकन दाखिल किया लेकिन आपके खिलाफ विपक्ष को कोई प्रत्याशी ही नहीं मिल रहा, ऐसा क्यों, आपको क्यों लगता है कि कोई प्रत्याशी यहाँ पर आ नहीं पा रहा है, क्या ऐसा लगता है, क्या कारण है? आई थिंक इट इज बिकॉज ऑफ द वर्क व्हाट आई हैव डन विद द हेल्प ऑफ अवर गवर्नमेंट एंड ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ ऑल माई कोलीग्स हियर, जिनके साथ मिलकर जो विकास मैंने जो किया है ऐसा उन लोगों ने कभी किया नहीं, तो वो किस मुंह से आके बात करेंगे या कहेंगे कि हम ये कर सकते हैं, ऐसे बोलने के लिए भी कोई है ही नहीं ना, दैट इज द प्रॉब्लम विद द विपक्ष को दे शुड स्टैंड इन फ्रंट ऑफ यू अगेंस्ट यू प्रूव दैट यू आर बेटर देन मी। बट एक सवाल जो बहुत महत्वपूर्ण है मैम, आप कांग्रेस पार्टी बात करती नारी शक्ति की, प्रियंका गांधी ने नारा भी दिया कि लड़की हूं लड़ सकती हूं, लेकिन ये चीज कांग्रेस पार्टी में होती हुई नजर नहीं आ रही, कांग्रेस के नेता जो है वो महिलाओं के खिलाफ कई टिप्पणियां करते हैं, कंगना रनौत को आपने देखा कैसे उनके खिलाफ जो बयानबाजी की, फिर आपके खिलाफ आपको लेकर आज एक बड़ा बयान दिया गया कांग्रेस के नेता के द्वारा, इन सब चीजों को आप किस तरह से देखते हैं? अब इन सबका आई थिंक योगी जी ने जवाब दे दिया, आई थिंक ही हैज गिवन अ गुड आंसर, सो दैट इज इनफ, पर्सनली आपको क्या लगता है, डील विद ऑल दिस, सो आई थिंक आई एम मच अबव ऑल दिस थिंग, आई डोंट वांट टू गेट इनटू दिस। जो नारी शक्ति की बात करते हैं वो इस तरह नारी शक्ति के बारे में दे हैव टू लर्न फ्रॉम आवर मोदी जी ना, मोदी जी कितना मान सम्मान देते हैं, उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एक महिला को बनाया जो आदिवासी के बिलोंग करती है, सो दैट इज अ बिग सम्मान ही हैज गिवन, हू एल्स विल डू सच थिंग्स, सो पीपल शुड अंडरस्टैंड। कांग्रेस की फ्रस्ट्रेशन आपको लगता है? नेचुरली इट इज देयर फ्रस्ट्रेशन विच दे आर शोइंग बाय टॉकिंग लाइक दिस, सब ठीक हो जाएंगे बेचारे। थैंक यू फॉर स्पीकिंग टू अस। तो हेमा मालिनी जो मथुरा से तीसरी बार बीजेपी की प्रत्याशी हैं, वो ये कह रही हैं कि कांग्रेस पार्टी का ये फ्रस्ट्रेशन है और उनको वो सीख लेनी चाहिए जो प्रधानमंत्री करते हैं, जो हमेशा नारी शक्ति की बात करते हैं। कैमरामैन जगन्नाथ कर्मा, पीयूष मिश्रा, मथुरा, उत्तर प्रदेश आज तक। क्या क्या मुद्दे हैं, किस किस तरह की परेशानियां हैं, इसका तो जिक्र किया ही गया, साथ ही साथ यहां पर हेमा मालिनी की तरफ से बताया गया क्योंकि विपक्ष में अभी कैंडिडेट न खड़ा करने के बीच, हालांकि कांग्रेस की तरफ से वहां साफ कर दिया गया है कि कौन उनकी तरफ से लड़ेगा, लेकिन बावजूद इसके कहा जा रहा है कि क्योंकि वहां पर विपक्ष ने न तो जनता के मुद्दे उठाए हैं न जनता के बीच वो पहुंचे हैं, तो जनता का जो साथ है वो हेमा मालिनी के साथ है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि बहुत सारे काम उनको करने हैं। रणदीप सुरजेवाला ने जिस तरह का बयान दिया उस पर जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो कुछ भी उस पर जवाब नहीं देना चाहती क्योंकि वो अपना काम करना चाहती हैं। विपक्ष का काम है इस तरीके से सवाल उठाना या फिर बार बार कटाक्ष करना तमाम मंत्रियों पर, सरकार पर, उनके सांसदों पर, तो विपक्ष अपना काम कर रहा है, मैं अपना काम कर रही हूं। तीसरी बार कहा लगातार यही जा रहा है कि इतना आसान हेमा मालिनी के लिए इस बार नहीं होने वाला है, लेकिन फिर भी नरेंद्र मोदी के नाम पर हेमा मालिनी यहां से जीत दर्ज कर सकती हैं। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। कांग्रेस के लिए एक बार फिर से मुश्किल खड़ी हो गई है। अभिनेत्री और सांसद हेमा मालिनी को लेकर की गई अभद्र टिप्पणी पर हरियाणा महिला आयोग ने सख्त रुख दिखाया है। हरियाणा महिला आयोग ने रणदीप सिंह सुरजेवाला को नोटिस भेज दिया है। रणदीप सिंह सुरजेवाला को 9 अप्रैल को कहा गया है आयोग के सामने पेश होने के लिए। आपको बता दें कि सुरजेवाला हरियाणा के कैथल में पंडूरी विधानसभा में चुनावी कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने सांसद और मथुरा से उम्मीदवार हेमा मालिनी को अभद्र टिप्पणी की। मानदानी भरी ने बढ़ाओ क्यों, इनका और आप ऐसा कर दिया जब इनकी किसी ने माननी नहीं, फिर इनको कोई मान ली धर्मेंद्र हो फिर सोच रहे गुप्ता जी काम कर रहे। हाँ नहीं सही है, कोई शाहरुख खान आता हो, कोई और आलिया भट्ट आती हो सोच रहे।
तो दावा यह है कि सुरजेवाला का बयान अभी का नहीं है, लेकिन यह सवाल फिर से वही है कि बयान अभी का है या पुराना है, इस बात का मुद्दा ही नहीं है। महिलाओं के प्रति इस तरीके से कोई इतना असंवेदनशील कैसे हो सकता है? महिलाओं का अपमान करके ही अपनी सियासत क्यों साधनी पड़ती है नेताओं को? रणदीप सुरजेवाला के बयान का बीजेपी ने किया है कड़ा विरोध। जो भी टिप्पणी किया उसको उनको करने दीजिए, अभी आई डोंट बॉदर अबाउट दैट। मैं मेरा काम करती रही हूँ आज तक, मैं किसी का बॉदर नहीं करती हूँ। और जो अच्छा काम मैं कर रही हूँ तो सब जनता मेरे साथ है, क्योंकि काम है कहना, विपक्ष का काम अच्छा थोड़ी बोलेंगे मेरे लिए, खराबी बोलना उनका काम है। दैट दे आर डूइंग देयर ड्यूटी, आई एम डूइंग माई ड्यूटी, आई एम वेरी एब्सोल्युटली क्लीन एंड नीट। तो मैं हमारे मथुरा के लिए मैं काम कर रही हूँ, मुझे आई डोंट केयर फॉर एनीबडी व्हाट दे टॉक अबाउट इट। इफ दे आर टॉकिंग एनीथिंग बैड वो हमारे पार्टी वाले देख लेंगे। जिन्होंने अपनी कला और अपनी प्रतिभा के माध्यम से भारत की परंपरा को, भारत की संस्कृति को, भारत के सिने जगत को, भारत की परंपरागत परंपरा और संस्कृति की कला को वैश्विक मंच पर स्थापित करने में अपना पूरा जीवन लगा दिया हो, और यह भी अगर कांग्रेसियों को बुरा लगता है तब तो उनको भगवान भी अब बचा पाएगा कि नहीं बचा पाएगा, ये मुझे स्वयं उनके संदेह होता है। भारत की राजनीति में कांग्रेस पार्टी के द्वारा महिलाओं के प्रति अवमानना की एक नई निम्नता है, जिसमें विषय सिर्फ रणदीप सुरजेवाला जी का नहीं है, यह विषय कांग्रेस पार्टी की एक व्यवस्थित और कुत्सित मानसिकता का है, महिलाओं के प्रति एक व्यवस्थित और कुत्सित मानसिकता का है। कांग्रेस की सोच है महिलाओं के प्रति। राहुल गांधी जी ने शक्ति से लड़ने की बात कही, यानी कि महिलाओं के खिलाफ, और ऐसी बात कह दी कि नाचने वाली महिलाओं का बार बार अपमान करना ये कांग्रेस की आदत बन गई है। उन्होंने पहले ना नारी शक्ति बंधन बिल पास करवाया, ना महिलाओं को रिजर्वेशन कांग्रेस ने दी, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने महिलाओं को रिजर्वेशन दिया और सम्मान दिया। देखिए सुरजेवाला जी का हेमा मालिनी के बारे में बयान कोई नई बात नहीं है, ये कांग्रेस का दृष्टिकोण है महिलाओं के प्रति। परंतु पहले इनकी सोच तो सुधारनी पड़ेगी, इसके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। कैसे 33% महिलाएं फील्ड में आएंगी, कैसे वो घरों से बाहर निकलेंगी अगर इस जैसे भेड़िए इस तरह की बातें करते हैं। तो आपको बता दें कि मथुरा से दो बार सांसद रह चुकी हैं हेमा मालिनी, आज ही नामांकन दाखिल उन्होंने किया है। मथुरा वो सीट है जहां से 1991 से अब तक हुए 8 चुनावों में बीजेपी 6 बार जीत चुकी है। तीसरी बार हेमा मालिनी अपनी जीत की गारंटी दे ही रही हैं, लेकिन क्या ये इतना आसान होगा, ये इतना सरल होगा? दो बार मथुरा से जीत दर्ज करने के बाद फिर से प्रत्याशी बनी है हेमा मालिनी जी। आज उन्होंने अपना नामांकन भी दाखिल किया। बातचीत करने के लिए वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, हाउ आर यू फीलिंग, कैसा आप महसूस कर रहे हैं? तीसरी बार आप फिर से मैदान में हैं, कितनी बड़ी जीत जो है आपको लगता है कि हासिल होगी इस बार? जीत होगी बहुत जरूरी है, क्योंकि मुझे यहाँ पे रहना है, आई हैव टू डू माई वर्क, तो इसलिए मेरे लिए जीतना भी जरूरी है, और बड़े मार्जिन से जीतना इज अप टू माई कार्यकर्ता हाउ दे आर गोइंग टू मेक इट। क्या क्या मुद्दे मैम आपको लगता है, जो क्या क्या इश्यूज हैं जो आपको लगता है मथुरा के अब तक पूरे नहीं हुए, उनको आगे लेके जाना है? सी फर्स्ट 5 years आई वॉज नॉट नोइंग कि क्या है क्या, इधर क्या सांसद बन के करना क्या होता है। सब लोग पेपर लेकर आते थे, यहाँ रोड बना दो, कड़िंजा बना दो, नाला बना दो, लाइट लगाओ, पानी चाहिए, दिस आई थॉट दैट इज द जॉब ऑफ सांसद। तो वो तो किया हमने, देन स्लोली स्लोली आई अंडरस्टूड कि यहाँ पे इतना डेवलपमेंट हो सकता है बाकी शहरों की तरह, यहाँ पे क्यों नहीं है। तो नेशनल हाईवे के साथ मिलके काफी हाईवेज में सब करवाया हमने। योगी जी की रैली में एक बड़ा नारा सुना कि अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, तो मथुरा कब पूरा होगा जो सपना लोगों का है? अभी ये सब कुछ किया है सेकंड टर्म में, नाउ द थर्ड टर्म इज नाउ मेनी पीपल कम एंड टोल्ड मी दैट ब्रज तीर्थ 84 कोस परिक्रमा में बहुत प्रॉब्लम्स है, तो वो सब मैं करना शुरू किया, विच इज अ वेरी ह्यूज प्रोजेक्ट ऑफ 11 crores और समथिंग, इन विच पूरा रोड लाइन्स का भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर भी यहाँ पे ठीक हो जाएगा मथुरा का, जब बहुत ट्रैफिक जैम होता है ऑल दैट थिंग। मैम आज आपने नामांकन दाखिल किया, लेकिन आपके खिलाफ विपक्ष को कोई प्रत्याशी ही नहीं मिल रहा, ऐसा क्यों, आपको क्यों लगता है कि कोई प्रत्याशी यहाँ पर आ नहीं पा रहा है, क्या ऐसा लगता है, क्या कारण है? आई थिंक इट इज बिकॉज ऑफ द वर्क व्हाट आई हैव डन,
with the help of our government and also with the help of all my colleagues here. जिनके साथ मिलके जो विकास मैंने जो किया है ऐसा उन लोगों ने कभी किया नहीं. बैड शेप, नोबडी बॉदर्स, वहाँ पे उनके जन्म स्थल है उसको अच्छा किया है हमने. आज सो मेनी पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन पोइट्री एंड ऑल दे गो एंड लिसन एंड देन दे सिंग हिज सॉन्ग्स, सब करते हैं. अब वहाँ पे थिएटर इन द सेंस ओपन एयर थिएटर बनाया जहाँ पे परफॉर्मेंस कर सकते हैं सब आर्टिस्ट. बिकॉज आई एम एन आर्टिस्ट सो आई एम वेरी इंटरेस्ट कीन ऑन हैविंग लॉट ऑफ थिएटर्स एंड ऑल दैट यू नो. सो दिस द कला जो है जिसे हम सिर्फ डेवलपमेंट ये रोड बनाएंगे फ्लाईओवर बनाएंगे इससे नहीं, यहाँ के ब्रज का जो कला है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसको उभर कर लेकर आना है तो हमें कला जोड़ना चाहिए. तो लोगों को काफी थिएटर्स दो तीन बनाए हैं मथुरा में एक एक वृंदावन में एंड देन जगह जगह पर. रस खान वॉज अ ग्रेट पोएट, ही वॉज अ मुस्लिम पोएट एंड ही रोट सच ब्यूटिफुल पोएट्रीज ऑन लॉर्ड कृष्णा, उनके बारे में उनका एक जगह बनाया है. इट इज वेरी ब्यूटीफुल, यू ऑल शुड गो एंड सी ऑल दोस प्लेस. मथुरा के विकास की बात कर रहे हैं. अच्छा, आज हमने योगी जी की रैली में एक बड़ा नारा सुना कि अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है. तो मथुरा कब पूरा होगा जो सपना लोगों का है? अभी ये सब कुछ किया है सेकंड टर्म में. नाउ द थर्ड टर्म इज नाउ मेनी पीपल कम एंड टोल्ड मी दैट ब्रज तीर्थ 84 कोस परिक्रमा में बहुत प्रॉब्लम्स है. तो वो सब मैं करना शुरू किया विच इज अ वेरी ह्यूज प्रोजेक्ट ऑफ 11 crores और समथिंग, इन विच पूरा रोड लाइन्स का भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर भी यहाँ पे ठीक हो जाएगा मथुरा का, जो बहुत ट्रैफिक जैम होता है ऑल दैट थिंग. मैम, आज आपने नामांकन दाखिल किया लेकिन आपके खिलाफ विपक्ष को कोई प्रत्याशी ही नहीं मिल रहा, ऐसा क्यों? आपको क्यों लगता है कि कोई प्रत्याशी यहाँ पर आ नहीं पा रहा है, क्या ऐसा लगता है, क्या कारण है? आई थिंक इट इज बिकॉज ऑफ द वर्क व्हाट आई हैव डन विद द हेल्प ऑफ अवर गवर्नमेंट एंड ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ ऑल माई कोलीग्स हियर. जिनके साथ मिलकर जो विकास मैंने जो किया है ऐसा उन लोगों ने कभी किया नहीं. तो वो किस मुंह से आके बात करेंगे या कहेंगे कि हम ये कर सकते हैं, ऐसे बोलने के लिए भी कोई है ही नहीं ना. दैट इज द प्रॉब्लम विद द विपक्ष. विपक्ष को दे शुड स्टैंड इन फ्रंट ऑफ यू अगेंस्ट यू प्रूव दैट यू आर बेटर देन मी. बट एक सवाल जो बहुत महत्वपूर्ण है मैम, आप कांग्रेस पार्टी बात करती नारी शक्ति की, प्रियंका गांधी ने नारा भी दिया कि लड़की हूं लड़ सकती हूं, लेकिन ये चीज कांग्रेस पार्टी में होती हुई नजर नहीं आ रही. कांग्रेस के नेता जो है वो महिलाओं के खिलाफ कई टिप्पणियां करते हैं. कंगना रनौत को आपने देखा कैसे उनके खिलाफ जो बयानबाजी की, फिर आपके खिलाफ आपको लेकर आज एक बड़ा बयान दिया गया कांग्रेस के नेता के द्वारा, इन सब चीजों को आप किस तरह से देखते हैं? अब इन सबका आई थिंक योगी जी ने जवाब दे दिया. आई थिंक ही हैज गिवन ए गुड आंसर, सो दैट इज इनफ. पर्सनली आपको क्या लगता है? आई डोंट डील विद ऑल दिस, सो आई थिंक आई एम मच अबव ऑल दिस थिंग. आई डोंट वॉन्ट गेट इन टू दिस. जो नारी शक्ति की बात करते हैं वो इस तरह नारी शक्ति के बारे में दे हैव टू लर्न फ्रॉम आवर मोदी जी ना. मोदी जी कितना मान सम्मान देते हैं, उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एक महिला को बनाया जो आदिवासी के बिलोंग करती है. सो दैट इज अ बिग सम्मान ही हैज गिवन. हू एल्स विल डू सच थिंग्स? सो पीपल वन शुड अंडरस्टैंड. कांग्रेस की फ्रस्ट्रेशन आपको लगता है? नेचुरली इट इज देयर फ्रस्ट्रेशन विच दे आर शोइंग बाय टॉकिंग लाइक दिस. सब ठीक हो जाएंगे बेचारे. थैंक यू फॉर स्पीकिंग टू अस. तो हेमा मालिनी जो मथुरा से तीसरी बार बीजेपी की प्रत्याशी हैं, वो ये कह रही हैं कि कांग्रेस पार्टी का ये फ्रस्ट्रेशन है और उनको वो सीख लेनी चाहिए जो प्रधानमंत्री करते हैं, जो हमेशा नारी शक्ति की बात करते हैं. कैमरामैन जगन्नाथ कर्मा, पीयूष मिश्रा, मथुरा, उत्तर प्रदेश, आज तक. में क्या क्या मुद्दे हैं, किस किस तरह की परेशानियां हैं, इसका तो जिक्र किया ही गया. साथ ही साथ यहां पर हेमा मालिनी की तरफ से बताया गया क्योंकि विपक्ष में अभी कैंडिडेट न खड़ा करने के पीछे, हालांकि कांग्रेस की तरफ से वहां साफ कर दिया गया है कि कौन उनकी तरफ से लड़ेगा, लेकिन बावजूद इसके कहा जा रहा है कि क्योंकि वहां पर विपक्ष ने न तो जनता के मुद्दे उठाए हैं न जनता के बीच वो पहुंचे हैं, तो जनता का जो साथ है वो हेमा मालिनी के साथ है. साथ ही साथ उन्होंने कहा कि बहुत सारे काम उनको करने हैं. रणदीप सुरजेवाला ने जिस तरह का बयान दिया उस पर जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो कुछ भी उस पर जवाब नहीं देना चाहती क्योंकि वो अपना काम करना चाहती हैं. विपक्ष का काम है इस तरीके से सवाल उठाना या फिर बार बार कटाक्ष करना तमाम मंत्रियों पर, सरकार पर, उनके सांसदों पर. तो विपक्ष अपना काम कर रहा है, मैं अपना काम कर रही हूं. तीसरी बार कहा लगातार यही जा रहा है कि इतना आसान हेमा मालिनी के लिए इस बार नहीं होने वाला है, लेकिन फिर भी नरेंद्र मोदी के नाम पर हेमा मालिनी यहां से जीत दर्ज कर सकती हैं. इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही.
कांग्रेस के लिए एक बार फिर से मुश्किल खड़ी हो गई है। अभिनेत्री और सांसद हेमा मालिनी को लेकर की गई अभद्र टिप्पणी पर हरियाणा महिला आयोग ने सख्त रुख दिखाया है। हरियाणा महिला आयोग ने रणदीप सिंह सुरजेवाला को नोटिस भेज दिया है। रणदीप सिंह सुरजेवाला को 9 अप्रैल को कहा गया है आयोग के सामने पेश होने के लिए। आपको बता दें कि सुरजेवाला हरियाणा के कैथल में पंडूरी विधानसभा में चुनावी कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने सांसद और मथुरा से उम्मीदवार हेमा मालिनी को अभद्र टिप्पणी की। मानदानी फिर इन्हें बनाओ क्यों इनके और आपने ऐसा कर दिया जब इनकी किसी ने माननी नहीं फिर इनको कोई मामाली धर्मेंद्र हो फिर सोच रहे गुप्ता जी काम कर रहे हाँ नहीं सही है कोई शाहरुख खान आता हो कोई और आलिया भट्ट आती हो सोच रहे। तो दावा यह है कि सुरजेवाला का बयान अभी का नहीं है, लेकिन यह सवाल फिर से वही है कि बयान अभी का है या पुराना है, इस बात का मुद्दा ही नहीं है। महिलाओं के प्रति इस तरीके से कोई इतना असंवेदनशील कैसे हो सकता है? महिलाओं का अपमान करके ही अपनी सियासत क्यों साधनी पड़ती है नेताओं को? रणदीप सुरजेवाला के बयान का बीजेपी ने किया है कड़ा विरोध। जो भी टिप्पणी किया उसको उनको करने दीजिए, अभी आई डोंट बॉदर अबाउट दैट। मैं मेरा काम करती रही हूँ आज तक, मैं किसी का बॉदर नहीं करती हूँ। और जो अच्छा काम मैं कर रही हूँ तो सब जनता मेरे साथ है। क्यों का काम है कहना, विपक्ष का काम अच्छा थोड़ी बोलेंगे, मेरे लिए खराबी बोलना उनका काम है। दैट दे आर डूइंग देयर ड्यूटी, आई एम डूइंग माई ड्यूटी, आई एम वेरी एब्सोल्युटली क्लीन एंड नीट। तो मैं हमारे मथुरा के लिए मैं काम कर रही हूँ, मुझे आई डोंट केयर फॉर एनीबॉडी व्हाट दे टॉक अबाउट इट। इफ दे आर टॉकिंग एनीथिंग बैड वो हमारे पार्टी वाले देख लेंगे। जिन्होंने अपनी कला और अपनी प्रतिभा के माध्यम से भारत की परंपरा को, भारत की संस्कृति को, भारत के सिने जगत को, भारत की परंपरागत परंपरा संस्कृति की कला को वैश्विक मंच पर स्थापित करने में अपना पूरा जीवन लगा दिया हो, और यह भी अगर कांग्रेसियों को बुरा लगता है तब तो उनको भगवान भी अब बचा पाएगा कि नहीं बचा पाएगा, ये मुझे स्वयं उनके संदेह होता है। भारत की राजनीति में कांग्रेस पार्टी के द्वारा महिलाओं के प्रति अवमानना की एक नई निम्नता है, जिसमें विषय सिर्फ रणदीप सुरजेवाला जी का नहीं है, यह विषय कांग्रेस पार्टी की एक व्यवस्थित और कुत्सित मानसिकता का है। महिलाओं के प्रति एक व्यवस्थित और कुत्सित मानसिकता का है। कांग्रेस की सोच है महिलाओं के प्रति। राहुल गांधी जी ने शक्ति से लड़ने की बात कही, यानी कि महिलाओं के खिलाफ, और ऐसी बात कह दी कि नाचने वाली महिलाओं का बार बार अपमान करना ये कांग्रेस की आदत बन गई है। उन्होंने पहले ना नारी शक्ति बंधन बिल पास करवाया, ना महिलाओं को रिजर्वेशन कांग्रेस ने दी। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने महिलाओं को रिजर्वेशन दिया और सम्मान दिया है। देखिए, सुरजेवाला जी का हेमा मालिनी के बारे में बयान कोई नई बात नहीं है, ये कांग्रेस का दृष्टिकोण है महिलाओं के प्रति। परंतु पहले इनकी सोच तो सुधारनी पड़ेगी, इसके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। कैसे 33% महिलाएं फील्ड में आएंगी, कैसे वो घरों से बाहर निकलेंगी अगर इस जैसे भीड़िए इस तरह की बातें करते हैं। तो आपको बता दें कि मथुरा से 2 बार सांसद रह चुकी हैं हेमा मालिनी, आज ही नामांकन दाखिल उन्होंने किया है। मथुरा वो सीट है जहां से 1991 से अब तक हुए 8 चुनावों में बीजेपी 6 बार जीत चुकी है। तीसरी बार हेमा मालिनी अपनी जीत की गारंटी दे ही रही हैं, लेकिन क्या ये इतना आसान होगा, ये इतना सरल होगा? 2 बार मथुरा से जीत दर्ज करने के बाद फिर से प्रत्याशी बनी है हेमा मालिनी जी। आज उन्होंने अपना नामांकन भी दाखिल किया। बातचीत करने के लिए वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, हाउ आर यू फीलिंग, कैसा आप महसूस कर रहे हैं? तीसरी बार आप फिर से मैदान में हैं, कितनी बड़ी जीत जो है आपको लगता है कि हासिल होगी इस बार? जीत होगी, बहुत जरूरी है, क्योंकि मुझे यहाँ पे रहना है, आई हैव टू डू माई वर्क, तो इसलिए मेरे लिए जीतना भी जरूरी है, और बड़े मार्जिन से जीतना इज अप टू माय कार्यकर्ता हाउ दे आर गोइंग टू मेक इट। क्या क्या मुद्दे मैम आपको लगता है, जो क्या क्या इश्यूज हैं जो आपको लगता है मथुरा के अब तक पूरे नहीं हुए, उनको आगे लेके जाना है? सी, फर्स्ट 5 इयर्स आई वाज नॉट नोइंग कि क्या है क्या, इधर क्या सांसद बन के करना क्या होता है। सब लोग पेपर लेकर आते थे, यहाँ रोड बना दो, कड़िंजा बना दो, नाला बना दो, लाइट लगाओ, पानी चाहिए, दिस आई थॉट दैट इज द जॉब ऑफ सांसद। तो वो तो किया हमने, देन स्लोली स्लोली आई अंडरस्टूड कि यहाँ पे इतना डेवलपमेंट हो सकता है बाकी शहरों की तरह, यहाँ पे क्यों नहीं है।
तो नेशनल हाईवे के साथ मिलकर काफी हाईवेज में सब करवाया हमने। योगी जी की रैली में एक बड़ा नारा सुना कि अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, तो मथुरा कब पूरा होगा जो सपना लोगों का है? अभी ये सब कुछ किया है सेकंड टर्म में, नाउ द थर्ड टर्म इज नाउ मेनी पीपल कम एंड टोल्ड मी दैट ब्रज तीर्थ 84 कोस परिक्रमा में बहुत प्रॉब्लम्स है, तो वो सब मैं करना शुरू किया, विच इज अ वेरी ह्यूज प्रोजेक्ट ऑफ 11 करोड़ और समथिंग, इन विच पूरा रोड लाइन्स का भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर भी यहाँ पे ठीक हो जाएगा मथुरा का, जब बहुत ट्रैफिक जैम होता है ऑल दैट थिंग। मैम आज आपने नामांकन दाखिल किया लेकिन आपके खिलाफ विपक्ष को कोई प्रत्याशी ही नहीं मिल रहा, ऐसा क्यों, आपको क्यों लगता है कि कोई प्रत्याशी यहाँ पर आ नहीं पा रहा है, क्या ऐसा लगता है, क्या कारण है? आई थिंक इट इज बिकॉज ऑफ द वर्क वॉट आई हैव डन विद द हेल्प ऑफ अवर गवर्नमेंट एंड ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ ऑल माई कोलीग्स हियर, जिनके साथ मिलकर जो विकास मैंने जो किया है ऐसा उन लोगों ने कभी किया नहीं। बैड शेप, नोबडी बॉदर्स, वहाँ पे उनका जन्म स्थल है उसको अच्छा किया है हमने। आज सो मेनी पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन पोइट्री एंड ऑल दे गो एंड लिसन एंड देन दे सिंग हिज सॉन्ग्स, सब करते हैं। अब वहाँ पे थिएटर इन द सेंस ओपन एयर थिएटर बनाया जहाँ पे परफॉर्मेंस कर सकते हैं सब आर्टिस्ट, बिकॉज आई एम एन आर्टिस्ट सो आई एम वेरी इंटरेस्ट कीन ऑन हैविंग लॉट ऑफ थिएटर्स एंड ऑल दैट यू नो। सो दिस द कला जो है जिसे हम सिर्फ डेवलपमेंट ये रोड बनाएंगे फ्लाईओवर बनाएंगे इससे नहीं, यहाँ का ब्रज का जो कला है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसको उभर कर लेकर आना है तो हमें कला जोड़ना चाहिए, तो लोगों को काफी थिएटर्स 2-3 बनाए हैं मथुरा में, एक वृंदावन में एंड देन जगह जगह पर। रस खान वॉज अ ग्रेट पोएट, ही वॉज अ मुस्लिम पोएट एंड ही रोट सच ब्यूटिफुल पोएट्रीज ऑन लॉर्ड कृष्णा, उनके बारे में उनका एक जगह बनाया है, इट इज वेरी ब्यूटीफुल, यू ऑल शुड गो एंड सी ऑल दोस प्लेस। मथुरा के विकास की बात कर रहे हैं, अच्छा आज हमने योगी जी की रैली में एक बड़ा नारा सुना कि अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, तो मथुरा कब पूरा होगा जो सपना लोगों का है? अभी ये सब कुछ किया है सेकंड टर्म में, नाउ द थर्ड टर्म इज नाउ मेनी पीपल कम एंड टोल्ड मी दैट ब्रज तीर्थ 84 कोस परिक्रमा में बहुत प्रॉब्लम्स है, तो वो सब मैं करना शुरू किया, विच इज अ वेरी ह्यूज प्रोजेक्ट ऑफ 11 करोड़ और समथिंग, इन विच पूरा रोड लाइन्स का भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर भी यहाँ पे ठीक हो जाएगा मथुरा का, जब बहुत ट्रैफिक जैम होता है ऑल दैट थिंग। मैम आज आपने नामांकन दाखिल किया लेकिन आपके खिलाफ विपक्ष को कोई प्रत्याशी ही नहीं मिल रहा, ऐसा क्यों, आपको क्यों लगता है कि कोई प्रत्याशी यहाँ पर आ नहीं पा रहा है, क्या ऐसा लगता है, क्या कारण है? आई थिंक इट इज बिकॉज ऑफ द वर्क वॉट आई हैव डन विद द हेल्प ऑफ अवर गवर्नमेंट एंड ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ ऑल माई कोलीग्स हियर, जिनके साथ मिलकर जो विकास मैंने जो किया है ऐसा उन लोगों ने कभी किया नहीं, तो वो किस मुंह से आके बात करेंगे या कहेंगे कि हम ये कर सकते हैं, ऐसे बोलने के लिए भी कोई है ही नहीं ना, दैट इज द प्रॉब्लम विद द विपक्ष। विपक्ष को दे शुड स्टैंड इन फ्रंट ऑफ यू अगेंस्ट यू प्रूव दैट यू आर बेटर देन मी। बट एक सवाल जो बहुत महत्वपूर्ण है मैम, आप कांग्रेस पार्टी बात करती नारी शक्ति की, प्रियंका गांधी ने नारा भी दिया कि लड़की हूं लड़ सकती हूं, लेकिन ये चीज कांग्रेस पार्टी में होती हुई नजर नहीं आ रही, कांग्रेस के नेता जो है वो महिलाओं के खिलाफ कई टिप्पणियां करते हैं, कंगना रनौत को आपने देखा कैसे उनके खिलाफ जो बयानबाजी की, फिर आपके खिलाफ आपको लेकर आज एक बड़ा बयान दिया गया कांग्रेस के नेता के द्वारा, इन सब चीजों को आप किस तरह से देखते हैं? अब इन सबका आई थिंक योगी जी ने जवाब दे दिया, आई थिंक ही हैज गिवन ए गुड आंसर, सो दैट इज इनफ। पर्सनली आपको क्या लगता है, डील विद ऑल दिस, सो आई थिंक आई एम मच अबव ऑल दिस थिंग, आई डोंट वांट टू गेट इनटू दिस। जो नारी शक्ति की बात करते हैं वो इस तरह नारी शक्ति के बारे में दे हैव टू लर्न फ्रॉम आवर मोदी जी ना, मोदी जी कितना मान सम्मान देते हैं, उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एक महिला को बनाया जो आदिवासी के बिलोंग करती है, सो दैट इज अ बिग सम्मान ही हैज गिवन, हू एल्स विल डू सच थिंग्स, सो पीपल वन शुड अंडरस्टैंड। कांग्रेस की फ्रस्ट्रेशन आपको लगता है? नेचुरली इट इज देयर फ्रस्ट्रेशन विच दे आर शोइंग बाय टॉकिंग लाइक दिस, सब ठीक हो जाएंगे बेचारे। थैंक यू फॉर स्पीकिंग टू अस। तो हेमा मालिनी जो मथुरा से तीसरी बार बीजेपी की प्रत्याशी हैं, वो ये कह रही हैं कि कांग्रेस पार्टी का ये फ्रस्ट्रेशन है और उनको वो सीख लेनी चाहिए जो प्रधानमंत्री करते हैं, जो हमेशा नारी शक्ति की बात करते हैं। कैमरामैन जगन्नाथ कर्मा, पीयूष मिश्रा, मथुरा, उत्तर प्रदेश, आज तक।
क्या क्या मुद्दे हैं, किस किस तरह की परेशानियां हैं, इसका तो जिक्र किया ही गया। साथ ही साथ यहां पर हेमा मालिनी की तरफ से बताया गया, क्योंकि विपक्ष में अभी कैंडिडेट न खड़ा करने के पीछे, हालांकि कांग्रेस की तरफ से वहां साफ कर दिया गया है कि कौन उनकी तरफ से लड़ेगा, लेकिन बावजूद इसके कहा जा रहा है कि क्योंकि वहां पर विपक्ष ने न तो जनता के मुद्दे उठाए हैं, न जनता के बीच वो पहुंचे हैं, तो जनता की जो जनता का जो साथ है वो हेमा मालिनी के साथ है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि बहुत सारे काम उनको करने हैं। रणदीप सुरजेवाला ने जिस तरह का बयान दिया उस पर जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो कुछ भी उस पर जवाब नहीं देना चाहती, क्योंकि वो अपना काम करना चाहती हैं। विपक्ष का काम है इस तरीके से सवाल उठाना या फिर बार बार कटाक्ष करना तमाम मंत्रियों पर, सरकार पर, उनके सांसदों पर, तो विपक्ष अपना काम कर रहा है, मैं अपना काम कर रही हूं। तीसरी बार कहा लगातार यही जा रहा है कि इतना आसान हेमा मालिनी के लिए इस बार नहीं होने वाला है, लेकिन फिर भी नरेंद्र मोदी के नाम पर हेमा मालिनी यहां से जीत दर्ज कर सकती हैं। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। कांग्रेस के लिए एक बार फिर से मुश्किल खड़ी हो गई है। अभिनेत्री और सांसद हेमा मालिनी को लेकर की गई अभद्र टिप्पणी पर हरियाणा महिला आयोग ने सख्त रुख दिखाया है। हरियाणा महिला आयोग ने रणदीप सिंह सुरजेवाला को नोटिस भेज दिया है। रणदीप सिंह सुरजेवाला को 9 अप्रैल को कहा गया है आयोग के सामने पेश होने के लिए। आपको बता दें कि सुरजेवाला हरियाणा के कैथल में पंडूरी विधानसभा में चुनावी कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने सांसद और मथुरा से उम्मीदवार हेमा मालिनी को अभद्र टिप्पणी की। मानदानी फिर इन्हें बढ़ाओ क्यों, इनका और अपने ऐसा कर दिया जब इनकी किसी ने माननी नहीं, फिर इनको कोई मान ली धर्मिंदर हो, फिर सोच रहे गुप्ता जी काम कर रहे। हाँ नहीं सही है, कोई शाहरुख खान आता हो, कोई और आलिया भट्ट आती हो, सोच लेते। तो दावा यह है कि सुरजेवाला का बयान अभी का नहीं है, लेकिन यह सवाल फिर से वही है कि बयान अभी का है या पुराना है, इस बात का मुद्दा ही नहीं है। महिलाओं के प्रति इस तरीके से कोई इतना असंवेदनशील कैसे हो सकता है? महिलाओं का अपमान करके ही अपनी सियासत क्यों साधनी पड़ती है नेताओं को? रणदीप सुरजेवाला के बयान का बीजेपी ने किया है कड़ा विरोध। जो भी टिप्पणी किया उसको उनको करने दीजिए, अभी आई डोंट बॉदर अबाउट दैट। मैं मेरा काम करती रही हूँ आज तक, मैं किसी का बॉदर नहीं करती हूँ। और जो अच्छा काम मैं कर रही हूँ तो सब जनता मेरे साथ है, क्योंकि काम है कहना। विपक्ष का काम अच्छा थोड़ी बोलेंगे, मेरे लिए खराबी बोलना उनका काम है। दैट दे आर डूइंग देयर ड्यूटी, आई एम डूइंग माई ड्यूटी, आई एम वेरी एब्सोल्युटली क्लीन एंड नीट। तो मैं हमारे मथुरा के लिए मैं काम कर रही हूँ, मुझे आई डोंट केयर फॉर एनीबॉडी व्हाट दे टॉक अबाउट इट। इफ दे आर टॉकिंग एनीथिंग बैड वो हमारे पार्टी वाले देख लेंगे। जिन्होंने अपनी कला और अपनी प्रतिभा के माध्यम से भारत की परंपरा को, भारत की संस्कृति को, भारत के सिने जगत को, भारत की परंपरागत परंपरा संस्कृति की कला को वैश्विक मंच पर स्थापित करने में अपना पूरा जीवन लगा दिया हो, और यह भी अगर कांग्रेसियों को बुरा लगता है तब तो उनको भगवान भी अब बचा पाएगा कि नहीं बचा पाएगा, ये मुझे स्वयं उनके संदेह होता है। भारत की राजनीति में कांग्रेस पार्टी के द्वारा महिलाओं के प्रति अवमानना की एक नई निम्नता है, जिसमें विषय सिर्फ रणदीप सुरजेवाला जी का नहीं है, यह विषय कांग्रेस पार्टी की एक व्यवस्थित और कुत्सित मानसिकता का है। महिलाओं के प्रति एक व्यवस्थित और कुत्सित मानसिकता का है। कांग्रेस की सोच है महिलाओं के प्रति। राहुल गांधी जी ने शक्ति से लड़ने की बात कही, यानी कि महिलाओं के खिलाफ, और ऐसी बात कह दी कि नाचने वाली महिलाओं का बार बार अपमान करना ये कांग्रेस की आदत बन गई है। उन्होंने पहले नारी शक्ति बंधन बिल पास करवाया, ना महिलाओं को रिजर्वेशन कांग्रेस ने दी, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने महिलाओं को रिजर्वेशन दिया और सम्मान दिया है। देखिए सुरजेवाला जी का हेमा मालिनी के बारे में बयान कोई नई बात नहीं है, ये कांग्रेस का दृष्टिकोण है महिलाओं के प्रति। परंतु पहले इनकी सोच तो सुधारनी पड़ेगी, इसके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। कैसे 33% महिलाएं फील्ड में आएंगी, कैसे वो घरों से बाहर निकलेंगी अगर इस जैसे भेड़िए इस तरह की बातें करते हैं।